नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। मथुरा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी खींचकर और बैलगाड़ी में भरकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और बिजली के बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग ना करने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। सिटी मैजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आज लोकदल के कार्यकर्ताओं ने टैंक चौराहे से कलेक्ट्रेट तक बैलगाड़ी खींचकर और बैलगाड़ियों में भरकर कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया। वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की मांग की थी डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और किसानों के बिजली के बिलों में जो वृद्धि हुई है उसको सरकार वापस ले। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो राष्ट्रीय लोकदल देशव्यापी आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने सिटी मैजिस्ट्रेट को सरकार के लिए ज्ञापन सौंपा। कैसा प्रदर्शन किया और किस वजह से किया? बिजली की पोल खोलने के लिए, डीजल और पेट्रोल की महंगाई को बढ़ते के लिए, जो बढ़ रहा है दिन पर दिन आक्रोश होता जा रहा है। हमारी जो सरकारें हैं वायदे बहुत बहुत करती है लेकिन आप देख लो कोई भी वादा ये पूरा नहीं कर पा रही है। आज हमने टैंक चौराहे से स्वयं मैंने बैल की बैल बन करके बुग्गी को यहाँ तक खींचा और ये दिखाना चाहते हैं हम लोग कि आज पेट्रोल और डीजल एकदम बढ़ चुका है, क्योंकि आज किसान कैसे जो है डीजल से खेती को कर पाएगा, कैसे जो है आदमी जो है अपने पेट्रोल से गाड़ी को चला पाएगा। हमें आपके चैनल के माध्यम से इनकी सरकार को चेतावनी देते हैं कि आज तो सिर्फ एक ज्ञापन है, एक टेलर के माध्यम से बता रहे, उसके आगे हम लोग जितने भी बिजली के यहाँ पर कार्यालय हैं या विद्युत विभाग है वहाँ पर दिन प्रतिदिन हम लोग जो है धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले करेंगे। लोकदल ने प्रदर्शन किया है, किस वजह से किया और कैसे किया? लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर यहाँ पीएम आवास पर हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। बिजली के रेटों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को लेकर यहाँ जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है। जिस तरह से 64% बिजली का बिल एकदम किसानों पर बढ़ा दिया गया, जो सर्वे के अनुसार भारत सरकार का जो सर्वे है उसमें एक आम आदमी की जो आय है वो 4842 रुपए है, 4842 जिसकी एक आम आदमी की औसत आय है, वो आम आदमी औसत आय वाला 4842 रुपए कमाने वाला 1800 रुपए ट्यूबवेल का भी पेमेंट कर देगा, 800-900 रुपए घर का भी पेमेंट कर देगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, इस बात को लेकर किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश है और हम इसी को लेकर आज डीएम कार्यालय पर ज्ञापन के माध्यम से अपनी आवाज को सुनाने के लिए आए हैं कि या तो इन बिजली के बिलों को वापस लिया जाए, किसान को राहत दी जाए, नहीं तो अगले एक महीने तक किसान बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे। आपकी वार्ता हुई डीएम साहब से? अभी नहीं हुई, होगी डीएम।